नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। ये टॉपिक आज का है आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट। मैं इसको इंग्लिश में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको हिंदी में बता रहा हूँ। तो चलिए देखेंगे ये आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट है क्या। बस इतना है कि एक इंटरफेस है और ये विद इन द सेम टेस्ट केस डेटा शेयरिंग में हेल्प करता है। विद इन द सेम जावा जावा क्लास डेटा शेयरिंग बिटवीन टेस्ट केसेस हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। पता नहीं एक्लिप्स कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है आजकल इससे। ओके देखिए, राइट क्लिक किया तो चलो खुल गया, जल्दी डांट पड़ती नहीं तो। अभी चलिए हिंदी में हम बताएंगे आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ठीक है तो पहले तो भाई जल्दी बन जा, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। ओके ठीक है, इसका एक यूज़र ऑपरेशन, इसका एक नया नाटक, टाइम खोटी करने का बस। हाँ, आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो है ना इज़ एन इंटरफेस, ये पॉइंट याद रख लीजिए। दूसरी चीज़, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका काम ये है विद इन द सेम जावा फाइल और द क्लास फाइल इट हेल्प्स शेयरिंग डेटा विद इन द टेस्ट केसेस। देखिए, ये आपने क्लास फाइल बनाया, इस क्लास के अंदर हम 10-12 टेस्ट केसेस बना सकते हैं, और हो सकता है वो 10-12 टेस्ट केस में जो डेटा है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो बार बार डेटा को डिपेंडेंट है तो कैसे बुलाने का, क्या करने का, उसके लिए आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस बहुत यूज़ में आता है। कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेम जावा क्लास फाइल में होगा। अगर आप एक दूसरा पब्लिक क्लास और एक क्लास बना दोगे hindi1_iTestContext, उसमें बुलाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ये उसका लिमिटेशन है कि विद इन द सेम जावा फाइल ही काम करता है, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन है, बस ये जान लीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, एक टेस्ट केस बनाते हैं। पब्लिक वॉइड सेटअप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। अभी हम लोग और एक टेस्ट केस बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लॉजिक, ठीक है। अभी टेस्ट केस बनाते हैं पब्लिक वॉइड एग्जिट, ठीक है। अभी आपका जो पब्लिक वॉइड सेटअप पे हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखना चाहते हैं आप? इससे पहले कि हम लोग लिखते हैं SYSO, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, दिस इज सेटअप ऑफ आवर न्यू लैपटॉप, ठीक है। ये हमने लैपटॉप का एक नया सेटअप बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से तीन प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ। ये सेटअप की जगह दिस इज़ दी लॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ आवर न्यू लैपटॉप एंड दिस इज एग्जिट, मतलब स्विच ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर चीज़, इसमें मान लो इसमें कुछ डेटा है, इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में मैंने बहुत सारा डेटा रख रखा है, और वही डेटा मुझे यहाँ पर भी चाहिए, और वही डेटा मुझे यहाँ पर भी चाहिए, और इस एग्जिट मेथड में लॉजिक का भी डेटा चाहिए, इसका भी डेटा चाहिए, तो एक दूसरे के डिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस मेथड के बॉडी में आप आई टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप इसको इंपोर्ट कर दीजिए, इंपोर्ट कर दिया आपने। अभी क्या करना, ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपने पास किया,
ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ लो. पासिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ द इंटरफेस इनसाइड द मेथड बॉडी. ये क्या करना है आपको, हर एक मेथड में पास करना है ये इंटरफेस का रेफरेंस. ये आप रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपने कॉन्टेक्स्ट वन कॉन्टेक्स्ट टू बना लिया तो डिपेंडेंसी नहीं आ पाएगी, सेम कॉन्टेक्स्ट पे ही आपको वो बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये पहला रूल. चलो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ. ठीक है, इसको प्रायोरिटी वन दे दिया, इसको टू, इसको थ्री. क्या हो गया, इसको मैंने टू दे दिया, ठीक है, इसको मैंने थ्री कर दिया. अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी बना देता हूँ. डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू स्ट्रिंग में SUT UP. ठीक है, अब इसमें भी मैं डिपेंडेंसी डाल देता हूँ. डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू, क्योंकि दो है तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, दो स्ट्रिंग बनाने पड़ेंगे. ठीक है, फिर इसको एनक्लोज करना पड़ेगा. अब इसमें क्या है, ये नाम उठाओ, इधर चेपो, लॉजिक इधर पेस्ट कर दो. तो ये हो गया हमारा बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया कि चलो भैया ठीक है, हमने प्रायोरिटी दे दिया, इस पर्टिकुलर मेथड को इस पे डिपेंडेंट कर दिया, और इस पर्टिकुलर एग्जिट मेथड को इस पे भी डिपेंडेंट किया और इस पे, दोनों पे डिपेंडेंट कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स पास करने हैं. तो हम इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट. सेट एट्रीब्यूट में सेटअप में हम लोग लिखेंगे Windows 10, ठीक है मान लीजिए, और कौन से लैपटॉप पे, Asus. ठीक है, आपने ये लिख दिया. ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर जो एट्रीब्यूट आपने पास किया, एक डेटा पास किया है, उसको यहाँ पे कैसे रिट्रीव करेंगे. बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और क्या चाहिए आपको, ये चाहिए Windows 10. बस इसको आप यहाँ पे पास कर दीजिए. तो ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है, ये गेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट. तो आप ये पास कर दीजिए, लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इक्वल टू ये, यहाँ पे इसको आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी. बस ये काम हो गया आपका. चलो अभी इसको प्रिंट आउट निकालते हैं. दी सेटअप फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर Asus लैपटॉप इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये हो गया. तो अभी हम देखेंगे, एकदम से सारा कोड कर लेते हैं. चलो मान लो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, लॉजिक के लिए, मैंने खुद और एक सेट किया है एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसको भी तो सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लॉजिक दूंगा, लेट से लॉजिक इज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स लॉजिक इसके लिए है क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली डेवॉप्स और अजाइल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ. ठीक है, इसीलिए मेरा कॉम्प्लेक्स सेटअप हो रहा है लॉजिक. तो मैं यहाँ पे आया. ठीक है, अभी मैं इस टेस्ट केस में दोनों पे डिपेंडेंट हूँ. मैं चाहता हूँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. तो मैं क्या दो गेट एट्रीब्यूट कर सकता हूँ, देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे और स्ट्रिंग नेम लिखेंगे पहले इसका Windows 10. ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको आउटपुट मिल जाना चाहिए. और आप अगर यहाँ पे यही निकालना चाहो, दिस सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर Asus लैपटॉप इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे
देखिए यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा ना, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इक्वल टू, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग फॉर, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के साथ कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो ये बराबर चल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप सेम यूज़ कर रहे हो, मैं इधर ऑपरेटिंग सिस्टम 1.2 नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकायदा मुझे यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली लिखने की जगह मैं आपको एग्जैक्टली लिख के बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट मुझे चाहिए क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वाला भी चाहिए, ठीक है। और ये गेट एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करता है, इट्स स्ट्रिंग पैरामीटर रिटर्न करता है। तो बस मैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग लॉजिक लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू, इधर भी आपको स्ट्रिंग कास्टिंग करनी पड़ेगी। बस अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सिसो करवा दीजिए एक, दी लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी इवन एट दी एग्जिट पॉइंट इज, प्लस हो गया ये सिंपल, तीन टेस्ट केस बता दिए। और यहाँ पे हमने एक सेट किया और इस टेस्ट केस में इसको डिपेंडेंट भी कर दिया और इसका डेटा भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको भी सेट कर दिया और इसको भी डिपेंड करवा दिया इस पर्टिकुलर पे, और इस पे भी सेटअप पे और लॉजिक पे एग्जिट को डिपेंडेंट करवा दिया यहाँ से। और फिर हम उसी आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस के रेफरेंस से दोनों चीज़ों दोनों मेथड के डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अभी रन करते हैं। आउटपुट देखते हैं, देखिए मस्त तरीके से हमारा आउटपुट भी आ गया। दिस इज सेटअप ऑफ आर न्यू लैपटॉप, दिस इज द लॉजिकल फंक्शनिंग, और ये सब भी आ गया है, सारा सब कुछ आ गया है, और सारा सब कुछ हमारा पास भी हो गया है, ठीक है। ये आउटपुट आपको थोड़ा अलग समझ आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस। आप आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस के बारे में ये वेबसाइट ओपन कीजिए, selenium.dev। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ से ओपन कीजिए। ये पता नहीं इतना स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आज ब्रॉडबैंड पे नहीं हूँ। ओके खुल गया, थैंक गॉड। डाउनलोड्स पे जाइए, और डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पर आप ये लैंग्वेज बाइंडिंग जावा में आके ये एपीआई डॉक्स पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। एपीआई डॉक्स में आप क्लिक करने के बाद ये क्या है, आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, जो भी यहाँ पे इटैलिक्स में होगा, या तो आप कंट्रोल एफ करके कर सकते हैं, ठीक है। जे के एलेमेंट यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, गॉड देखते हैं, कंट्रोल एफ आई टेस्ट, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो आप अगर इसको चाहे तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल करके इसके बारे में और कुछ जान सकते हैं, ठीक है। गूगल में आपको जावा डॉक आईओ में जाइए, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये क्या करता है, इसका क्या वो है, और इसके ऊपर आप अलग अलग यूट्यूब से या फिर अलग अलग जगहों से इसके बारे में और जानकारी हासिल कीजिए। देखिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन शायद कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फ्रेमवर्क में कभी कभी ये चीज़ हमको डेटा फेच करने में बहुत हेल्प कर देती है। जब बहुत ज़्यादा डेटा का झिकझिक झिकझिक चाहिए ना, तो ये झिकझिक बहुत हमारी कम कर देता है। तो देखिए मैं गलत जगह ढूंढ रहा था, तो आप ये इंटरफेस आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर ढूंढ लीजिए, जावा डॉक डॉट आई ओ में है, आप इसके बारे में पढ़िए, बहुत सारे मेथड्स ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए इस पेज को, ठीक है। मैं इस पेज को यहाँ पे
लिख देता हूँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे जाके, ठीक है, आप प्लीज़ इस चीज़ को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कोशिश करूँगा लिंक में दे देने की डिस्क्रिप्शन में, तो शायद आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको नॉलेजेबल लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर साइनिंग ऑफ।